जैन साथियों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। एआरओ बरेली के अग्निवीर जवान जो जिसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं और जिनका फिजिकल 20 जुलाई 2023 से 1 अगस्त 2023 तक है, तो मैं चाहता हूँ ये सब जवान जो एआरओ बरेली के अंतर्गत जिसमें 12 जिले आते हैं वो जवान मेहनत कर लें, समय कम रह गया है। और आप देख ही रहे हैं चारों तरफ जो फिजिकल की अपडेट आ रही है, बहुत ही अच्छा इस बार फिजिकल हो रहा है। तो मैं एआरओ बरेली के सभी जवानों को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि वो जान लगा दें, क्योंकि दूसरे एआरओ से मेरी बातचीत हो रही है, वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। 100-150 में फर्स्ट के 20-25-30-40 बच्चे तक भी पकड़ रहे हैं। तो अभी आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, मैं उन जिलों के नाम भी बताऊंगा और क्या क्या लोकेशन, कहाँ भर्ती के लिए कहाँ जाना है, कौन से सेंटर में, रेजिमेंट सेंटर में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, आपको सटीक जानकारी दूंगा। एआरओ बरेली जो कि यूपी का एक बहुत बड़ा एआरओ है, पहले ये बीआरओ था, अभी एआरओ है, इसके अंतर्गत जो आने वाले जिले हैं जिसमें आप देखेंगे, पहले तो बरेली जिला, फिर बदायूं, इसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये हो गए 4 जिले। अभी इसके बाद संभल, संभल, फिर उसके बाद है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद है आपका फर्रुखाबाद, बलरामपुर, फर्रुखाबाद, बलरामपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, हरदोई और बहराइच। ये 12 जिले एआरओ बरेली के अंतर्गत आते हैं जिनका फिजिकल जुलाई माह से स्टार्ट है। तो मैं उम्मीद करूंगा हर बच्चा जान लगाएगा। अब इसमें जो हमारा सीतापुर है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, इस डिस्ट्रिक्ट को खास वरीयता हाइट में दी गई है। बाकी सभी डिस्ट्रिक्टों और इंडिया के जितने भी एआरओ, बीआरओ, जेडआरओ हैं, सभी में जीडी के लिए अग्निवीर जीडी 170 हाइट, एक सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जिसको हाइट में भी 1 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, 169 सेंटीमीटर ये हाइट है, और इसमें चेस्ट में 77-82, वेट 50 केजी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं वो हाइट से परेशान नहीं होंगे, वो अपने जिनकी हाइट 170 71 72 है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जिनकी 169 है वो भी जाएंगे, घबराएंगे नहीं और आप अपना सिलेक्शन देंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के बच्चे हैं उनमें जुनून है और वो जुनून आपको फतेहगढ़ जो आपका जहाँ पे फिजिकल लगा हुआ है, एआरओ
बरेली के अंतर्गत फतेहगढ़ में आपका फिजिकल समझौता होगा और इसका फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंट सेंटर इसको ऑर्गेनाइज कराएगा और मैक्सिमम बच्चों को लोकेशन का पता है, जिनको नहीं पता है जाने का रूट का वो हमसे क्लियर कर लेंगे ताकि किसी बच्चे का फिजिकल मिस ना हो पाए, क्योंकि जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत की है और जिनके एज निकलने वाली है, क्योंकि एसएससी आर्मी एग्जीक्यूटिव जीडी के लिए 21 साल चाहिए, तो जिन बच्चों की ये लास्ट चांस है उनको मैं उम्मीद करूँगा कि वो पूरा जान लगा के इस भर्ती में जरूर सिलेक्शन लेंगे। और जिन बच्चों को आज पहली बार भर्ती का है, जिन्होंने एक्सपीरियंस कम है, फिर भी वो किसी से अपने आप को कम नहीं समझते हुए वो भी पूरा जान लगाएंगे। और जो फतेहगढ़ में आपका फिजिकल लगा है अच्छे से जाइए, दिल से दिमाग से फिट रहिए, फिजिकली मेंटली फिट होके जाइए। प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर जगाइए, भगवान का नाम लेके कर लो चढ़ाई, किले पे फतेह करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो जवान अभी तक फिजिकल में जिनमें कुछ कमियाँ थी वो मेहनत कर लें, चाहे उनकी रनिंग से रिलेटिव है चाहे चिनअप से। अगर 100 नंबर का फिजिकल करना है तो जान लगाना है, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ और ग्राउंड पे भाग जाओ, मेहनत कर लो, वर्दी हासिल कर लो, ठीक है। और अभी तो ये जो 12 जिले हैं एआरओ बरेली के अंतर्गत जो आपको बताया 20 जुलाई से 1 अगस्त तक, उसमें एक ही दिन में 2 से 3 जिले बुलाए जाएंगे, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 जिले, पूरा लोड एक दिन में नहीं डाला जाएगा। सर्वप्रथम आपको वहाँ बुलाया जाएगा, 100 से 150 का बैच आपका बनेगा, आपकी रनिंग होगी, उसके बाद आपका हाइट मेजरमेंट, चेस्ट वेट, फिर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन, फिर आगे की प्रोसेसिंग, उसमें आपका लास्ट में मेडिकल होगा। जब मेडिकल भी आप क्वालिफाई कर लेंगे फिर ओवरऑल आपकी रिटेन फिजिकल के आधार पे मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो जो बच्चे हर इवेंट में हर जगह अच्छे मार्क्स लाएगा, पूरी मेहनत करेगा, कॉन्फिडेंस के साथ अपने तैयारी करेगा, वो ज़रूर भर्ती होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा ये सारे जवान जो मेरे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो आगे भी इस प्रकार जो भी अन्य जानकारी और जो आपको लगेगा उपयोगी वीडियो मैं आपको बताता रहूँगा, और उसके उपरांत आप उस पर फॉलो करके आप उस वीडियोज को देख के और जो हमसे आपके क्वायरीज हैं वो करके आप अपने अग्निवीर का सपना पूरा कर सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस मोबाइल नंबर के माध्यम से, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई भी दिक्कत आती है कहीं भी, और संभवतः आप जो सीतापुर के जवान हैं मेरी एकेडमी के या पूरे डिस्ट्रिक्ट के, मैं आपको फतेहगढ़ में मिलूंगा, आपको जो संभवतः मदद हो सकेगी वहाँ के स्टाफ से या जो भी मेरे जानने वाले हैं मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, 9541996652। इन नंबरों पे आप मुझे किसी भी वक्त कॉल करके जो आपकी समस्या परेशानी है चाहे डॉक्यूमेंट को लेके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर बच्चे को हेल्प की वो करूँगा, आशा करूँगा कि उसकी जितनी मुझसे हेल्प हो सके, तो मैं चाहूँगा हर बच्चा भर्ती हो, ठीक है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद जवानों।